हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार ट्रेन से सफर किया होगा। सभी जानते हैं कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक निशान होता है। कभी आपने सोचा है कि वह निशान क्यों होता है? आप में से कुछ लोगों ने ट्रेन की आखिरी बोगी में इस निशान के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा और कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने यह निशान कभी देखा भी न हो। लेकिन यह निशान ट्रेन के आखिरी डिब्बे में क्यों होता है, कभी आपने इस बारे में सोचा है? क्या इस निशान का भी कुछ साइंटिफिक तरीका होता है कि उस वजह से ट्रेन की आखिरी बोगी में यह निशान देते हैं? आज हम आपको ट्रेन के इस निशान के बारे में कुछ खास जानकारी देंगे और हम जानते हैं कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी। दरअसल यह निशान इसलिए होता है ताकि ट्रेन के कर्मचारियों को यह पता चल सके कि पूरी तरह से ट्रेन जा चुकी है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में कौन कौन से निशान होते हैं? आपने कभी भी ट्रेन को ध्यान से देखा होगा तो यह जरूर देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक एक्स का निशान होता है। आप सबके दिमाग में यह जरूर आया होगा कि आखिर ट्रेन के डिब्बे के पीछे क्यों यह निशान होता है, इसका क्या मतलब होता है? बता दें कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो एक्स का निशान होता है वह लाल और सफेद रंग का होता है। यही नहीं, अब यह भी देखा गया है ट्रेन के आखिर डिब्बे पर बिजली का एक लैंप भी जरूर होता है। यह लैंप हर थोड़ी देर बाद चमकता है। पहले के समय में यह लैंप तेल से चलाया जाता था, लेकिन आजकल यह लैंप बिजली से चलता है। नियम के मुताबिक हर ट्रेन की आखिरी डिब्बे पर यह एक्स का निशान होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि ट्रेन पर इस निशान के अलावा आखिरी डिब्बे पर एक बोर्ड लटकाया जाता है जिस पर LV लिखा होता है। इस बोर्ड को अंग्रेजी में लिखा जाता है और इस बोर्ड का रंग काला या सफेद होता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो LV लिखा होता है उसका मतलब है लास्ट व्हीकल, यानी कि आखिरी डिब्बा। अगर कोई भी ट्रेन पूरी नहीं जाती है और कर्मचारियों को LV का बोर्ड नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब यह होता है कि अभी पूरी गाड़ी नहीं आई है। फिर इस स्थिति में एक आपातकालीन कार्यवाही शुरू कर देते हैं।